जय श्री हरि। स्पिरिचुअल ज्ञान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सावन मास शुरू होने वाला है, तो जान लेते हैं सावन मास में मंगला गौरी का व्रत का क्या महत्व है, क्या व्रत कथा है और किस तरह से करनी है माँ पार्वती की पूजा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे इसी तरह से और वीडियोज़ को अपलोड करने का। मंगला गौरी व्रत सावन के प्रत्येक मंगलवार को रखा जाता है। महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए इस व्रत को करती हैं। मान्यता है कि सावन में दाम्पत्य जीवन की खुशहाली के लिए इस व्रत को करने से माँ पार्वती प्रसन्न होकर सदैव सुहागन रहने का आशीर्वाद देती हैं। सावन के सोमवार की तरह सावन के मंगलवार का भी विशेष महत्व होता है। सावन के प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए इस व्रत को करती हैं। पहला मंगला गौरी व्रत 2023 में 4 जुलाई को रखा जाएगा। मंगला गौरी व्रत की सभी तिथियां। पहला मंगला गौरी व्रत होगा 4 जुलाई 2023 को। दूसरा मंगला गौरी व्रत होगा 11 जुलाई 2023 को। तीसरा 22 अगस्त 2023। चौथा मंगला गौरी व्रत 29 अगस्त 2023 को रखा जाएगा। सावन अधिक मास के मंगल गौरी व्रत की तिथियां। पहला मंगला गौरी व्रत अधिक मास में 18 जुलाई को, दूसरा 25 जुलाई को, तीसरा 1 अगस्त को और चौथा मंगला गौरी व्रत 8 अगस्त को। पांचवां मंगला गौरी व्रत 15 अगस्त को रखा जाएगा। इस प्रकार 2023 में 9 मंगला गौरी व्रत रखे जाएंगे। जानते हैं मंगला गौरी व्रत का महत्व। मंगला गौरी व्रत को करने से पति की आयु लंबी होती है। अविवाहित महिलाएं भी अच्छा वर पाने के लिए यह व्रत कर सकती हैं। दाम्पत्य जीवन की खुशहाली और परिवार में सुख शांति के लिए भी यह व्रत किया जाता है। पति और पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ता है। संतानहीन लोग मंगला गौरी व्रत करते हैं तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। मंगला गौरी व्रत पूजा विधि। सबसे पहले मंगलवार के दिन सुबह जल्दी उठें। स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद अपने घर के मंदिर की सफाई कर लें। माँ पार्वती और भगवान शिव की प्रतिमा को स्थापित कर लें, पहले से हैं तो उसको साफ कर लें। इसके बाद माँ पार्वती को लाल रंग के वस्त्र अर्पित करें। फिर आटे का दीपक बनाकर दिया जलाएं, साथ ही उनकी पूजा अर्चना विधि विधान के साथ करें। पूजन सामग्री साथ में रखें। सभी पूजन सामग्री 16 की संख्या में होनी चाहिए, जैसे पान, सुपारी, लौंग, इलायची, फल, पान, लड्डू, सुहाग की सामग्री और चूड़ियाँ। इसके अलावा 5 प्रकार के मेवे और 7 प्रकार का अन्न भी यदि संभव हो तो जरूर रख लें। इसके बाद मंगला गौरी व्रत की कथा सुने। पूजा के बाद घर परिवार के लोगों को प्रसाद दें और जरूरतमंद लोगों को धन और अनाज का दान भी कर सकते हैं। मंगला गौरी व्रत के मंत्र। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्येव त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इसके अलावा आप ओम उमा महेश्वराय नमः मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। पूजा में इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। जब आप लगातार 5 साल तक मंगला गौरी व्रत रख लें तो पूजन करने के बाद 5वें वर्ष में सावन माह के अंतिम मंगलवार को इस व्रत का उद्यापन जरूर कर लें। उद्यापन के बिना ये व्रत पूरा नहीं माना जाएगा। इस बात का भी ख्याल रखें कि माँ मंगला गौरी व्रत के दौरान माता को आटे के लड्डू, फल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची और सुहाग सामग्री अर्पित करते रहें। अब माँ मंगला गौरी की व्रत कथा सुन लेते हैं। एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी बहुत खूबसूरत थी और उसके पास काफी संपत्ति थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं होने के कारण वे काफी दुखी रहा करते थे। भगवान की कृपा से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्पायु था। उनके पुत्र को कोई पूर्व जन्म का श्राप था कि उसकी मृत्यु 16 वर्ष की आयु में सांप के काटने से हो जाएगी।
संयोग वर्ष उसकी शादी 16 वर्ष की आयु पूर्व होने से पहले ही एक युवती से हो गई, जिसकी माता मंगला गौरी का व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था जिसके कारण वह कभी भी विधवा नहीं हो सकती थी। इस कारण धर्मपाल के पुत्र की आयु 100 साल की हुई। सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती हैं और मंगला गौरी व्रत का पालन करती हैं और अपने लिए लंबी, सुखी और स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। वे महिलाएं जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, वे इस व्रत को संतान की कामना से करती हैं। सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जो महिलाएं उपवास नहीं कर सकती, वह माँ मंगला गौरी की पूजा कर लेती हैं। कथा के बाद क्या करना है? कथा सुनने के बाद विवाहित महिलाएं अपनी सास और ननंद को लड्डू दे सकती हैं, प्रसाद बांटना है, साथ ही ब्राह्मणों को भी प्रसाद देना है। इस विधि को करने के बाद 16 बाती का दिया जलाकर माँ मंगला गौरी की आरती करनी है। अंत में माँ मंगला गौरी के सामने हाथ जोड़कर पूजा में किसी भी प्रकार की भूल के लिए क्षमा मांगनी है। आप इस व्रत को अपने परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक कर सकते हैं और उसके बाद उद्यापन आवश्यक है। जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।